मंत्री मंजू वर्मा की गिरफ्तारी अब तक नहीं होने से सुप्रीम कोर्ट काफी खफा है। लगातार बिहार सरकार और बिहार पुलिस को कोर्ट से फटकार लग रही है, बावजूद इन सब के मंजू वर्मा फरार चल रही हैं। इस मामले पर अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि यही तो बेशर्मी भरा सुशासन है। 13 साल से नीतीश जी हेडलाइन मैनेजमेंट के जरिए बिहार वासियों और देशवासियों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। इनकी पूरी राजनीति कुर्सी युक्त, सिद्धांतहीन और विचारहीन है। हर सुनवाई पर माननीय सुप्रीम कोर्ट इन्हें लताड़ रहा है और ये हंस रहे हैं, ये काफी शर्मनाक है। बता दें कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार और पुलिस को आज फिर से फटकार लगाई है। दरअसल पुलिस अब तक पूर्व मंत्री मंजू वर्मा को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। इतना ही नहीं, अगली सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के डीजीपी को तलब किया है। मालूम हो कि मंजू वर्मा के बेगूसराय वाले घर से अवैध हथियार और कारतूस बरामद हुए थे, जिसके बाद से मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा दोनों फरार चल रहे हैं। हालांकि चंद्रशेखर वर्मा ने काफी दिनों की लुका छिपे के बाद मंझौल कोर्ट में सरेंडर कर दिया। मंजू वर्मा की अग्रिम जमानत अर्जी काफी पहले ही खारिज हो चुकी है। आज इस मामले पर जस्टिन मदन बी लोकुर ने कहा कि बहुत खूब, पूर्व कैबिनेट मंत्री मंजू वर्मा फरार है, बहुत खूब। यह कैसे हुआ कि पूर्व मंत्री फरार है और किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है? मुद्दे की गंभीरता का एहसास करें कि पूर्व मंत्री मिल नहीं रही है, यह बहुत हो चुका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम आश्चर्यचकित है कि 1 महीने से भी अधिक समय हो गया है और पुलिस पूर्व मंत्री के बारे में पता नहीं लगा पाई। हम पुलिस को यह बताना चाहते हैं कि इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में कैसे पता नहीं चल पाया है। कोर्ट ने डीजीपी को अपने सामने पेश होने के लिए भी कहा। अब मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी। इससे पहले कोर्ट ने वर्मा की गिरफ्तारी न होने पर कहा था कि बिहार में कुछ भी ठीक नहीं है, पूर्व मंत्री छुपी हुई है और सरकार को इसका पता ही नहीं है। मंत्री की जमानत याचिका खारिज होने के बाद भी सरकार उन्हें गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। कोर्ट ने कहा था कि बिहार में कुछ भी ठीक नहीं है। पीठ ने मंजू वर्मा को लेकर कहा कि उनकी अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज हो गई है, फिर भी अब तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। पीठ ने बिहार सरकार से जवाब दाखिल करने के लिए भी कहा था। पटना से बिफोर प्रिंट की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।